कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है और खाद तेल बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में निचले स्तर से एक तेजी देखी जा रही है। बाजारों में क्यों तेजी आ रही है, सारे कारण आपको बताएंगे, बाजारों में क्या और आगे स्थिति रह सकती है सारी जानकारी आपको देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज रहा। सोया ऑयल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोया ऑयल का बाजार अगर देखेंगे तो नीचे से बाजारों में लगातार तेजी देखी गई। कल का बाजार 96 रुपये हो गया, पामोलिन का बाजार 87 रुपये पे कामकाज हुआ, जबकि राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 83 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार भी अब देखेंगे 108 रुपये की तेजी के साथ बाजारों में कामकाज रहा। सोयाबीन सीड 4900 रुपये प्लांटों के भाव बोले गए। विदेशी बाजारों में जो आप देख रहे हैं वेसल्स वगैरह की जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बाजारों में एक तेजी देखी जा रही है, उसका इंपैक्ट आप बाजारों में देख रहे हैं कि जो सप्लाई डिस्टर्बेंस आई है तो सोया ऑयल मेन सन ऑयल की सप्लाई डिस्टर्बेंस हुई है, तो सारे बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के मार्केट पे किस तरीके से इस महीने अगर बात कर लेते हैं। सोया तेल वायदा अगर 47.03 सेंट का लो बनाने के बाद लगभग 195 पॉइंट की रिकवर होता हुआ बाजार नजर आया है। कल सीबॉट सोयाबीन मील के सभी वायदों में इस महीने का एक बार गिरावट देखी गई थी। केएलसी पिछले 6 सेशन से हर रोज पिछले दिन से ऊपर सेटल हो रही है, हालांकि 31 दिसंबर से अभी भी 75 रिंगिट की सिर्फ तेजी आई है, मगर महीने के 3607 रिंगिट से 208 रिंगिट की केएलसी में रिकवरी के साथ कामकाज होता जा रहा है। केएलसी में तेजी की एक वजह यह भी है कि 1 से 10 दिन में उत्पादन में 22% की कमी की। दूसरी वजह बारिश की वजह से पाम कटाई में रुकावट की वजह से आप देख रहे हैं कि पामोलिन में तेजी बाजारों में देखी जा रही है। इस सप्ताह अगर देखी जाए तो 4 दिन में कोलू 1.5 रुपए किलो, इंदौर में जीएनपीटी कांडला 2.5 रुपए किलो, काटन रिफाइंड 2 रुपए, ओलिन हल्दिया 1 रुपए, कांडला 2 रुपए किलो बाजारों में अभी तक तेजी बाजारों में देखी जा चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो हमारा मिस मत करिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जाके हमारे साथ डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कांडला पोर्ट की स्थिति रही। कांडला पोर्ट का बाजारों की अगर बात करें, कांडला पोर्ट पे भी जोरदार तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। कांडला पोर्ट का बाजार आप देखेंगे तो कांडला पोर्ट का बाजार 785 रुपए हो गया, इसीलिए फॉरवर्ड का भाव 790 रुपए बोला गया। अगर पामोलिन की अगर बात करें तो पामोलिन का बाजार 830 रुपए पे कामकाज रहा। अगर सोया रिफाइंड की हम बात कर लेते हैं तो सोया रिफाइंड का बाजार भी 915 रुपए से 920 रुपए हो गया। सोया डिगम 825 रुपए, फॉरवर्ड में 830 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। केएलसी अगर कल की बात करें 39 रिंगिट की तेजी देखी गई थी, आज अगर देखा जाए तो केएलसी सुबह 13 रिंगिट और सीबॉट 51 पॉइंट की बढ़त के साथ ओपन हुआ है। चलिए सोया ऑयल सीपीओ में सपोर्ट रेस्टेंस लेवल जान लेते हैं। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 97 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 88 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 82 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 84 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5700 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 5850 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4800 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 4950 रुपए। तो अभी घरेलू बाजारों में लगातार तेजी जा रही है, और भी बाजारों में आप तेजी देख के चल सकते हैं। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की आपको रेट की जानकारी, अगर खाद तेल की एक्यूरेट आपको रेट की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑथेंटिकेट ऐप है और फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, डेमो के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आप डेमो उसका ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।